नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे चावल हम आसान विधि से किस तरह से एकदम खिले खिले बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना तो ये गीला होगा ना जलेगा, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये अलग अलग दाने हैं चावल के। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि हम किस तरह से चावल बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चावल ले लिए हैं। हम यहाँ पर 1.5 गिलास चावल बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा आपको जितना बनाना हो। और इसी ग्लास से हम पानी का भी नाप रखेंगे। तो आप कोई भी बर्तन, कटोरी, ग्लास सेट कर लीजिए, उसी से हम सारी चीजें करेंगे। अब चावल को इस तरह से अच्छे से किसी बर्तन में फैलाकर चुन लीजिए। इसमें कोई कंकर पत्थर या फिर काले चावल है तो उन सभी को छांटकर निकाल देना है। चावल को साफ करने के बाद अब एक बड़े बर्तन में डालकर और इसे हमें धोना है। तो 2 से 3 बार साफ पानी से रगड़ रगड़ कर धोइएगा ताकि चावल में जो भी धूल मिट्टी गंदगी हो वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ कर और बढ़िया से नल के पास जाकर धो लीजिए। हमने चावल को अच्छे से धो लिया है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर जिस ग्लास से हमने चावल लिया था उसी ग्लास से पानी डाल रहे हैं। हमने 1 गिलास डाला है अभी, और ये गया 2रा गिलास, 3रा गिलास, 1.5 गिलास चावल के लिए 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये चावल जो हम बना रहे हैं इसको पकने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। यदि आप भी इसी तरह का चावल बना रहे हैं जिसको कि पकने में ज्यादा समय लगता है तो पानी आप भी इतना ही डालें। और यदि कोई आप पतला वाला चावल लेते हैं जिसको कि पकने में कम समय लगता है तो आप 1/2 गिलास पानी कम डालिएगा। अब गैस का फ्लेम ऑन करके और पतीले को रख दीजिए और ढक्कन रखकर ढक्कन को देखिए थोड़ा सा इस तरह से खाली छोड़िएगा, पूरी तरह से नहीं ढकना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और धीमी आंच पर चावल को अब अच्छे से पकने देना है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जब इस तरह से पानी ऊपर आने लगे तो ढक्कन को थोड़ी देर के लिए आप हटा सकते हैं। चावल को चलाना वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा ढक्कन हटाइए, फिर से ढककर इसे आराम से पकने दीजिए। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटा हटा के चेक करते रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी काफी हद तक सूख चुका है। तो इस तरह से चमचे के पिछले हिस्से से चेक कर लीजिए। तो इसमें अभी पानी थोड़ा ज्यादा ही है तो फिर से हम इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक करने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाया है और यहाँ पर हमारा चावल बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से चेक करके देख लीजिए पानी पूरी तरह से सूख गया है। और चावल को भी आप चेक कर सकते हैं, चावल यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़िया से पक गया है। यदि आपका कच्चा रह जाता है और पानी सूख गया है तो इस वक्त इसमें 1/2 गिलास आप गर्म करके पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सही नाप से पानी डाला था तो इसीलिए पानी भी सूख गया है और चावल भी अच्छे से पक चुका है। तो अब तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और पतीले को ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद आप चावल को सर्व कर सकते हैं। और इस तरह से चावल बनाने पर ये शाम तक इसी तरह से खिले खिले रहेंगे। कुकर में जो चावल बनाते हैं तो वो चिपक से जाते हैं, पर ये पतीले में इस तरह से चावल बनाइएगा तो ये शाम तक या फिर अगले दिन तक भी इसी तरह से खिले खिले रहते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है चावल बनाना। तो आप भी एक बार इस तरह से चावल को जरूर बनाकर देखिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सभी तरह के चावल को आप इसी तरह से बना सकते हैं, पर जिस चावल में पकने में कम समय लगता हो उसमें पानी आप 1/2 गिलास कम डालिएगा और इसी तरह से खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना तो ये गीला हुआ है, ना तो जला है और ना ही चिपका है। कितने खिले खिले चावल बना है और ना कोई परेशानी हुई इसको बनाने में। यहाँ पर मैं बर्तन को भी आपको दिखा देती हूँ, नीचे भी ये बिल्कुल नहीं चिपका है, अंदर तक चावल एकदम खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये चावल बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दे। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।